मटर पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ ही जाता है। अब आलू मटर तो बहुत बार घरों में बनता ही है, पर जब बात आती है मटर पनीर की और वो भी स्मोकी स्टाइल में, तो भाई मन में एक बार तो डाउट आता ही है कि मार्केट जैसा ना बना। तो चलिए मेरे साथ कुक विद पुनीता में, जहां मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मार्केट स्टाइल स्मोकी मटर पनीर की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए मटर पनीर स्मोकी स्टाइल बनाना शुरू करते हैं। दिल से स्वागत है आपका कुक विद पुनीता में। मैं हूँ पुनीता। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मजेदार सी रेसिपी। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। अब आपको अगर ये रेसिपी देखनी है एक ट्विस्ट के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे। 5 मिनट तक इसे थोड़ा सा हल्का गुलाबी रंग का होने देंगे। अब हम इसमें 8 से 7 लहसुन की कलियां डाल रहे हैं। यहाँ मैंने 2 हरे लहसुन भी लिए हैं। इसको हम छोटा छोटा बारीक इसमें काट के मिला देंगे। यह मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ हम अब आगे 3 मीडियम साइज के टमाटर ले रहे हैं, जिन्हें हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसको इसमें मिला देंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक के डालने के बाद हमारे टमाटर जल्दी गलने लग जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट इसे ढककर हम पका लेंगे। यहाँ मैंने पनीर जो 400 ग्राम लिया है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने लाल कश्मीरी मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब हमें गैस बंद कर देनी है और इस मसाले को ठंडा करने के बाद एक मिक्सर जार में इसे डाल के इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल रही हूँ, ताकि इजीली इसका स्मूथ पेस्ट बन सके। चार से पांच बारी इसे चलाने के बाद हमारा स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाएगा। ये मटर पनीर की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें मक्खन भी डाला है। अब इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ और 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। यहाँ हमने हरे लहसुन के जो पत्ते हैं उनको बारीक काट के डाल दिया है। यहाँ 2 टेबलस्पून में बारीक कटा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज का हम इसमें प्याज बारीक कटा डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाला है।
अगर आपको तीखा पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें। अब यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च डाली है, 1/4 स्पून मैंने लौंग का पाउडर डाला है, 1/4 स्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है। यहाँ मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। अब इसको अच्छे से हम प्याज के साथ ये ड्राई मसाले मिला लेंगे। अब यहाँ जो हमने पहले से ग्रेवी तैयार करके रखी थी उसको इसमें मिला देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना है, लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे ताकि ये ग्रेवी नीचे ना लगे। यहाँ मैंने 3 कप उबले हुए मटर लिए हैं जो मैंने नमक वाले पानी में डालकर पका लिए थे। अब इसको हम ग्रेवी के साथ मटर को अच्छे से पकाएंगे। यहाँ एक उबाल आने के बाद 1/4 स्पून मैंने दालचीनी का पाउडर डाला है। अब इसको मिलाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में एक उबाला आ चुका है। अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे। जब ग्रेवी में 2 मिनट के बाद एक और उबाला आ जाएगा तो इसमें हम जो हमारे कटे हुए पनीर हैं वो इसमें मिला देंगे। ये तैयार हो चुका है हमारा मटर पनीर। अब हम इसे एक ट्विस्ट देंगे। ये हमारी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है। बारीक कटी धनिया पत्ती डालने के बाद हमने चारकोल को अच्छे से गरम कर दिया है। अब ये चारकोल हम बीच में सब्जी की कटोरी रखेंगे। अब गरम चारकोल इसमें डालेंगे और इसके ऊपर अब हमें देसी घी डालना है। आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ डालें या इस तरीके से डाल दें और इसे एकदम ढक दें। अब ये जो धुआं है चारकोल का, ये आपकी सब्जी को एक अच्छा फ्लेवर देगा। या तो आप इसी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कर दें या थोड़ी देर बाद इसे सर्व करें। यहाँ मैं पालक के साथ पूड़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे नान, लच्छा पराठा या पूड़ी के साथ इंजॉय कर लीजिए। तैयार हो गई हमारी मटर पनीर की स्मोकी स्टाइल सब्जी। ये सब्जी आप पूड़ी के साथ एंजॉय करें, नान के साथ या पराठे के साथ। ये सब्जी आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो है कुक विद पुनीता। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखें आप अपना ख्याल।